पहचाना हो पोलाडोइंग ब्रेथ। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बच्चों में जो गैस हो जाती है, 0 to 6 मंथ के बेबीज में ही ज्यादा होता है जो गैस हो जाती है, उससे कैसे हम लोग दूर करें, वो 5 उपाय मैं आज बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जो जीरो टू सिक्स मंथ के बेबी होते हैं उनमें ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, वो दिन भर वो सोए हुए रहते हैं, तो वो उनको गैस होना लाजमी है। और 6 मंथ के बाद तो बच्चे लोग एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैर चलाना, क्रॉलिंग, भले क्रॉलिंग नहीं करते बट वो बैठना सीख जाते हैं, थोड़ा सा वो क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। 8 मंथ में कई लगभग बच्चे क्रॉलिंग कर ही देते हैं, मेरी बेबी 10 मंथ की हुई है, उसने प्रॉपर वो 8 मंथ से क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया, वो भागती है बहुत बुरी तरह से, तो वो 10 मंथ की हो गई तो वो अच्छे से क्रॉलिंग करती है अभी। उसको भी बहुत गैस की प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने भी कई गलतियां की है जो मैं बताऊंगी आप लोग को नहीं करनी है वो, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला उपाय है डकार दिलाना। डकार बच्चे लोग को टाइम टू टाइम दिलाना ही है, ऐसा होता है। मैं मेरे केस में मेरी बच्ची सभी के बच्चे लगभग सोते रहते हैं, 0 to 3 मंथ तक तो वो लगभग सोते रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि क्या डकार दिलाए उठ जाएगी, लेकिन नहीं, आपको डकार दिलाना है, बच्चे को कंधे पे रख के आपको डकार दिलाना है, उसको पीठ पे थपथपा के उसको डकार मैक्सिमम टाइम आपको दिलाना है, नहीं तो बच्चे में क्या हो जाएगा, गैस हो जाता है, फिर उसको नाक में से दूध निकलने लग जाता है, एसिडिटी हो जाती है, बहुत बच्चे बुरी तरह रोने लग जाते हैं, वो फेस अगर नहीं करना है तो आपको उसको डकार दिलाना है। और सेकेंड जो है उपाय है वो है हींग का पेस्ट। अगर बच्चे लोग को गैस हो गई है तो आप सेकेंड जो डकार, अगर डकार के बाद जो सेकेंड उपाय है वो है हींग का पेस्ट। हींग लेके आप पानी में हल्का सा पेस्ट बना के उसके पेट के चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ उसको लगाइए, तो उसको गैस में रिलीफ मिलेगा। अगर उस जिस टाइम उसको गैस हो गई और तो आपको वो लगाना है पेस्ट। थर्ड उपाय है अजवाइन का पानी। अगर हींग के पेस्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप उसको अजवाइन का पानी गर्म करके आधा चम्मच एकदम अजवाइन का पानी उसको पिलाइए, उसको उससे रिलीफ मिलेगा। फोर्थ जो उपाय है वो है एक्सरसाइज। मैंने एक मसाज वाला वीडियो भी डाला है, उसमें बच्चे की कैसे पैरों से एक्सरसाइज की जा रही है, उससे बच्चे को पैरों को उठा के हम लोग को एक्सरसाइज करवानी, मसाज करवाते टाइम 2 टाइम 3 टाइम जिस भी टाइम आप मसाज करते हो, तो उससे पैरों की मसाज, पैरों से उसकी एक्सरसाइज करवानी है, और उसके पेट पे भी सर्कुलर मोशन में आपको हाथों को अपने घुमाना। मैंने एक मसाज वीडियो डाला है, उसमें आप देखिएगा मैंने कैसे एक्सरसाइज करवाई बच्ची की, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट उपाय है, अगर कुछ भी अगर नहीं कर काम कर रहा है तो वो है ड्राई वाटर। ड्राई वाटर तो 100% आप अगर कुछ भी उपाय अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उसको ड्राई वाटर दे दीजिए। ड्राई वाटर से क्या होगा, जितना उसमें लिखा रहता है कितना देना है, आपका बेबी किस एज का है, 6 मंथ 7 मंथ किस एज का है, 8 मंथ, उसमें लिखा रहता है कितना क्वांटिटी में देना, उसको आप दीजिए और उससे तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। ये तो कुछ उपाय मेरे केस में, मेरे बेबी, मैंने बहुत गलतियां कि मैं उसको डकार नहीं दिलाती थी, तो फिर मैंने कई वीडियोस देखे, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि डकार दिलाना जरूरी है। अलग अलग टेक्निक्स देखे मैंने वीडियोस के, तो उसको मैं डकार दिलाती थी, जब कभी रात में इंस्टेंट उसको गैस हो जाती बहुत बुरी तरह होती थी, तो मैं उसको हींग का पेस्ट, जब हींग का पेस्ट नहीं काम करता, अजवाइन का पानी, सब रेमेडी करती थी, तो उसको कोई कोई रेमेडी से रिलीफ मिलता था। फिर अगर फिर मैंने लास्ट में थोड़े दिन पहले ही ड्राई वाटर किया है, ड्राई वाटर मंगवाया है, बट मेरे बेबी को गैस नहीं होती है, तो ड्राई वाटर भी एक ऑप्शन है, बट मैंने कभी ड्राई वाटर दिया नहीं है, लेकिन ड्राई वाटर से भी गैस रिलीफ होती है। मैंने जब स्टार्टिंग में आया था ड्राई वाटर, तो मैंने हल्का सा ट्राई किया था, तो उसको गैस निकली थी, बट उसको प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसको गैस से रिलीफ मिला था। और मेरे अभी तो अभी जब बच्चे 7 मंथ के हो जाते तो क्रॉलिंग प्रॉपर स्टार्ट कर देते, तो उनकी एक्सरसाइज होती रहती है, तो फिर उनको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। हो सकती है बाय द वे कोई खाना वैसा हो, फूड उसको मिल गया हो, चाहे वो कुछ ने खा लिया हो, तो उससे गैस हो जाए, बट मैक्सिमम टाइम बच्चे जब क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो कुछ उपाय, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।